आसमान के नीचे सोए का आनंद कुछ और ही होता है। अभी एक सिंह आ रहे हैं हमारे। हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? वेल, आज मैं आया हूँ अपने किसी फ्रेंड के घर पे, यहाँ पे मिलने के लिए। और आज है मेरे साथ में एक और मेरा दोस्त छोटा, जिसका नाम है भरत कुमार। तो मैं आप तो ये है भरत कुमार प्रजापत। सो भरत कुमार जी, हेलो हाय कर दीजिए। हेलो हाय, हाउ आर यू? हेलो हाय, हाउ आर यू? ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, देन आगे की लोकेशन और बताता हूँ। तो अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये गांव की लोकेशन है, आई मीन गांव ही है ये। और ये देखिए खेती, यहाँ पे खेती इन्होंने उगा के रखी हुई है। बट खेती तो उन्होंने उगा ली, लेकिन अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान है और राजस्थान में हमेशा बारिश लेट ही होती है। तो इसलिए अभी ये खेती भी सूखती भी जा रही है। वेल, बारिश हो जाएगी आजकल में। तो ये नेट यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश आने ही वाली है, ऑलमोस्ट अभी आ जाए, शाम को आ जाए। इसी सीन में यहाँ पे गर्मी होना तो स्वाभाविक है। जय श्री उगम। क्या हाल चाल है? बढ़िया। ये हमारे मित्र है बुद्ध सिंह जी। जय राम जी कर दो। जय राम जी। पानी कितो भी मटकी पानी ने होड़नी हुए नहीं गलो, एकदम शांत पड़ जा। तो अभी जहाँ पे मैं आया हूँ, ये है मेरे कोई मित्र है, इनको मेडिसिन देने के लिए आया हूँ। अब वैसे तो मेडिसिन देने के लिए हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन हाँ क्लोज मित्र है मेरे, तो फिर इसलिए यहाँ पे आया हूँ मैं भी इनको मेडिसिन देने के लिए। यहाँ से मेडिसिन देने के बाद फिर अपन चलेंगे यहाँ से सीधा गौशाला, जो मैंने आपको बताया ना अभी, वो आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, यहाँ से चाय पियेंगे फिर इसके बाद निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में। चाय आ गई।
अभी कोई लेके चला जाता तो जगह ही करता था। पता नहीं चलता मेरे भाई। दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर जीने का क्या मतलब। जिंदगी डर कर जीने का मतलब नहीं है, ना इंसानों से, ना दुनिया से, ना प्रोफेसर से। हमको तो इस चीज़ से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को कभी नहीं देख पाए। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए। जस्ट डू इट। यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ चुका है। एक्चुअली यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा मन था यहाँ से निकलकर गौशाला जाने का, जो जस्ट है यहाँ से, जो आपकी लोकेशन देख रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही एक गौशाला आती है, वहाँ पे जाने का। बट प्रॉब्लम यह है कि यार यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, देखिए आप, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो गौशाला में नेक्स्ट व्लॉग में चलूँगा, तब अपन एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से दिखा पाऊँगा। आई थिंक सो बेटर ज़्यादा वो रहेगा। फिलहाल यहाँ से मैं जा रहा हूँ शॉप पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि मैं गौशाला जाके वहाँ का व्लॉग बनाऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार। और आप में से काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो यार वीडियोज़ देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। सबसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखते हो तो कमेंट ज़रूर किया करो इसके अंदर, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। बिकॉज आप जब तक नहीं बताओगे मुझे नहीं पता चलेगा। सो यहीं तक का छोटा सा सफ़र था। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मौसम है और मारो खेत है, ये मेरे गांव का बहुत ही अच्छा समुद्र नदी है। और लाइक और कमेंट तो जरूरी है, आपको पता है, और सब्सक्राइब तो आप भूलना ही मत।